समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री के चंद्रशेखर राव की विराट सभा लोहा में 26 मार्च 2023 को दोपहर को 1 बजे होने जा रही है। इस सभा का नियोजन जो है बहुत ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। भारत राष्ट्र समिति के आरमूर विधानसभा मतदार संघ के आमदार जीवन अन्ना रेड्डी साहब, बोधन विधानसभा मतदार संघ के आमदार माननीय शकीर आमिर साहब, भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय महासचिव हिमांशु तिवारी साहब, ये मिलके जोरों शोरों से इस सभा की तैयारी कर रहे हैं। करीबन 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता इस सभा में आने जा रहे हैं। मैं नांदेड़ जिले के सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर, लाखों की संख्या पर आप लोहा के होने वाले इस परिवर्तनवादी सभा में आप आए। किसानों का लीडर, किसानों का मसीहा, देश को तरक्की के लिए रास्ते पर लाने वाला नेता माननीय केसीआर साहब की ये सभा यशस्वी होने जा रही है। और तेलंगाना मॉडल जो पिछले 8 सालों में डेवलप उन्होंने किया, वो 8 सालों का जो तेलंगाना मॉडल था, वो तेलंगाना मॉडल पूरे देश में होना जरूरी है। पूरे देश में तेलंगाना मॉडल किसानों के हक के लिए होना जरूरी है। आज महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, वो आज तक कोई भी महाराष्ट्र का नेता किसानों की आत्महत्या रोक नहीं पाया है। केसीआर साहब 5 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र में आए थे और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, इसका जवाबदेही कौन है, महाराष्ट्र के लीडर क्या कर रहे हैं। तो हम किसानों का दुख दर्द दूर करने के लिए भारत राष्ट्र समिति जो है, वो हमने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति हमने किया है, और भारत राष्ट्र समिति महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, किसानों के हक के लिए बात करेगी। आज शंकर अन्ना दोनगे साहब जो राष्ट्रवादी किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी भारत राष्ट्र समिति इस पार्टी में उन्होंने प्रवेश कर रहे हैं। और 26 मार्च को जो लोहा में ऐतिहासिक सभा किसानों के लीडर का जो सम्मान हो रहा है, वो ऐतिहासिक सभा केसीआर साहब की हो रही है। ये ऐसी ऐतिहासिक सभा आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी सभा नहीं हो पाई थी। तो मैं नांदेड़ के और महाराष्ट्र के सभी किसानों को और सभी किसानों के नेता को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज किसानों के सम्मान में बोलने वाला एक नेता पूरे हिंदुस्तान में है, उनका नाम केसीआर साहब है। और केसीआर साहब की ये विराट सभा देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए आप जो है ये 26 मार्च 2023 को लोहा आए, बड़ी तादाद में लोहा आए, 1 बजे और दोपहर में 1 बजे ये सभा होने जा रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी के महान नेता, बड़े नेता, भोकर विधानसभा मतदार संघ के एक बड़ा चेहरा नागनाथ जी घिसेवाड़ साहब, ये भी केसीआर साहब के नेतृत्व पर विश्वास रखे 26 मार्च 2023 को ज्वाइन हो रहे हैं। इतने महान नेता नांदेड़ में, नांदेड़ के जो थे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था और किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा था, जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये सभी पार्टियां जो है फेल हो चुकी थी। लेकिन इसके लिए सभी को ताकत देने के लिए, किसानों के हक के लिए किसान नेता केसीआर साहब आ रहे हैं। मैं नांदेड़ के सभी नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी तादाद पर, लाखों की तादाद पर आप इस विराट सभा में आए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। चलो चलो।